हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक वीडियो लाया हूं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, और यह है किसान विद्रोह। ठीक है, किसान विद्रोह कब हुआ था, क्यों हुआ था और कहां कहां हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मात्र 6-7 मिनट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और देखिए मैं इसको किस तरह डिस्कस करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी लाइक कीजिएगा, वरना लाइक मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसान विद्रोह। किसान विद्रोह क्यों हुआ भाई? अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गए। ठीक है, यहाँ पर हो गए हो जाएगा। ठीक है, और उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो पहला होगा नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 60। यह बंगाल के नदिया जिला से प्रारंभ हुआ किसानों का आंदोलन था। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास ने किया था, जिसकी चर्चा दिग्बंधु मित्र की रचना नील दर्पण। ठीक है, ठीक है, दीनबंधु, ठीक है, दीनबंधु की दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक हिंदू पैट्रियोटिक में मिलता है। ठीक है, अगला है चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। यह नीले यह नीले जमींदारों के विरुद्ध, मतलब जो नील की खेती करवाते थे जमींदार, और वो अपना जमीन, वो मतलब किसानों का जमीन वापस नहीं किए, इसके लिए यह आंदोलन था। यह जमींदार तीन कट्टिया पत्ती के तहत 20 कट्टा खेत में जबरदस्ती तीन कट्टे पर नील को खेती करवाते थे। एक बार नील बोने पर 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाती थी। महात्मा गांधी ने इस पत्ती को समाप्त करवाया। ठीक है, उस टाइम फिर भी मतलब क्या बोलते हैं, नील की खेती बंद हो गई थी, बट किस क्या क्या था ना कि 3 कट्टा खेत पर जो नील की खेती होती थी वह जमींदार वापस नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम 1917 में सिंथेसिस नील की आविष्कार हो चुका था। ठीक है, अगला है खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसे गुजरात के खेड़ा से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। अंग्रेज खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल कर रहे थे, इसे महात्मा गांधी ने माफ करवा दिया। ठीक है, अगला है अवध किसान सभा 1920। इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया। यह किसान का एक संगठन था। अवध किसान सभा 1920 इस किसने प्रारंभ किया? रामचंद्र ने प्रारंभ किया और यह किसानों का एक क्या था? संगठन था। अगला है मोपला विद्रोह 1920 टू 22 यानी 21 में संभवतः मान लीजिए। ठीक है, यह केरल मालाबार तट के किसानों का एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व अली मुलसियर ने किया था। किसने किया था? अली मुलसियर ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बारदोली आंदोलन। यह गुजरात के बारदोली से अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया। बिहार किसान सभा 1929 में यह बिहार किसानों का एक संगठन था, जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय, लव यू, टेक केयर। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।